अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैर आमले। चाचा सिंह है? संगे बच्चे। खैर हाय। नहीं आप मुझे ये बताओ, पेशावर में टाइम गुजारे हैं कि नहीं? थोड़ा अगला गुजारा है लेकिन पक्का थोड़ी थोड़ी समझ नहीं। आज आप मुझे हर रोज़ एक किस्सा सुनाते हो, वो प्रॉपर्टी वाला किस्सा मुझे सुनाओ। कौन सा प्रॉपर्टी वाला? वो गाँव वाला जो? नहीं नहीं, जो आप बता रहे थे कि प्रॉपर्टी के ऑफिस में मैं बैठा था, वो चाय का। हाँ, प्रॉपर्टी वाले फोन पे लगे रहते हैं, कॉटन पहन के बोलते हैं 1 करोड़ रुपए का सौदा हो गया, 1 करोड़ ले लो, उसको दे दो, उसको ये कर दो, वो बिल्डिंग खरीद ली। शाम जब पड़ता है तो बोलते हैं 10 रुपए दो, 20 रुपए दो, वैगन पे घर जाना है। नहीं, चाय का क्या बोलते हैं? चाय जिस तरह? हाँ बोलते हैं, चाय पियोगे? अच्छा ठीक है। ए चाय वाले तो साथ सारा करके ना लाना, बोलते चाय ले आओ, कह दिया जी आ जाती है, बैठो बैठो। वो आदमी तंग पड़ जाता, कहता चलो घर, बोलते नहीं नहीं बैठो, चाय वाला ए चाय वाले ले आओ जल्दी करो, साथ सारा करता कि नहीं लाना। मैं ओ अच्छा चाचा जी ये बताओ कि आपकी उम्र कितनी है? कोई 75 के साथ 74 75। ये तो आप पाकिस्तान जब बना था उस टाइम के। तो आप मुझे ये बताएं कि 75 सालों में आपको इस ज़िंदगी ने क्या दिया और क्या सबक आपने इससे लिया? मैंने इससे यही सबक लिया, सच बोलो और सच का साथ दो और अच्छे अच्छे काम करो और मेहनत की कमाई खाओ बस। अच्छा, गलत कमाई तुम्हें नहीं रास आएगी। अच्छा, तो 75 सालों में आपने एक्सपीरियंस ये किया कि हलाल का हुआ। अच्छा, गुजरे कैसे? मतलब शुक्र है अल्लाह पाक का बड़ा करम है, शुक्र है, बड़े अच्छे दिन गुजर गए। अच्छा, अभी भी अच्छे गुजर रहे हैं, शुक्र है मालिक का। और चाचा आप लोग तो गांव के हैं, ठीक है, इधर पिंडी में आप ये कोटियों हम मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे 10,000 या 15,000 इसमें आपका गुजारा हो जाता है? मुश्किल है, बड़ा 10,000 में बड़ा मुश्किल है गुजारा। तो इसमें तो आप, मुझे पता है आप 7,000 के तो सिगरेट पी लेते तो ये बड़ा मुश्किल है भाई गुजारा। अच्छा, बहुत मुश्किल है। तो फिर क्या मतलब आप किस तरह ये 10,000, मुझे तो ये समझ नहीं, 10,000 तो ये जेब का खर्चा होता है, बड़ा मुश्किल होता है, तो ये किस तरह गुजारा कर लेते हैं? गुजारा करता हूँ बस, बड़ा मुश्किल में गुजारा हो रहा है, अल्लाह पाक कर रहा है, निज़ाम चला रहा है सोना रब अपने बस की, तो बाद में कैसे गुजारा है ये मुझे भी नहीं पता चलता, अल्लाह पाक गैबी में मदद कर रहा है बस, ये अल्लाह का करम है। ये बाबा ऐसा ही है कि मेरा दोस्त है और रात को इसकी ड्यूटी होती थी, मैं बैठता था, तो अभी तो दिन की इसकी ड्यूटी है, तो आज मैंने खुसूसी इसको टाइम दिया खुसूसी तौर पे, क्योंकि फिर दिन को मैं बहुत बिज़ी होता हूँ। चाचा भी कह रहे हैं कि आप बिल्कुल एक महीने में आप मिले नहीं हो, तो रात को जब मैं फारिग होता था 2-1 बजे 3 बजे तक यहाँ बैठा होता था चाचा के साथ, क्योंकि यहाँ का माहौल ही कुछ और है। हाँ चाचा, रात का माहौल, रात का बड़ा सुकून दे माहौल है, ठंडी ठंडी हुआ, मदर सन्नाटा छाया हुआ, अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देने का बड़ा अच्छा टाइम होता है, अल्लाह को याद करो, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगो। चाचा ये मैंने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। अच्छा, लोगों से कहो कि यार इस भाई का चैनल सब्सक्राइब करो। हाँ क्या करो? सब्सक्राइब। चलो अच्छा करो इसको। अच्छा नहीं बोलो सब्सक्राइब, वो क्या होता है? नहीं बोलो ना ये सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करो। हाँ क्या? सब्सक्राइब करो भाई। हाँ चलो, आप लोगों का शुक्रिया, अभी बाबा ने भी बता दिया कि चैनल को सब्सक्राइब करो, तो अगर आप अभी नहीं करते तो ये बड़ी ज्यादती होगी। थैंक यू सो मच।